आज मैं न्यूली बॉर्न बेबी के लिए शर्ट बना रही हूँ। ये मैंने फलालेन का कपड़ा लिया है जो कि ठंड में पहनाया जाता है। इसको ये मैंने बैक साइड ली है, इसकी चौड़ाई 11 इंच और लंबाई 12 इंच ली है। अब ये मैंने फ्रंट के दो पीस लिए हैं क्योंकि मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ, तो लंबाई तो उतनी ही रहेगी इसकी भी 12 इंच। ये दो पीस हैं आगे के और चौड़ाई है इसकी 6.5 इंच और इसकी चौड़ाई रहेगी 7 इंच। अब ये मैंने लिए किस हिसाब से, इसका आधा कर लिया, जैसे इसकी चौड़ाई रह गई, ये देखिए इसकी चौड़ाई रह गई 5.5 इंच, तो एक मैंने लिया है इससे 1 इंच, 5.5 से 1 इंच ज़्यादा यानी 6.5 इंच लिए, और एक 5.5 से 1.5 इंच ज़्यादा लिए यानी 7 इंच लिए। इस हिसाब से मैंने ये दोनों लिए हैं, ठीक है। अब देखिए जो आगे का 7 इंच चौड़ा वाला पीस है वो मैंने ले लिया और उस पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 इंच का निशान लगा लिया। और अब हम इसको पहले हल्का सा थोड़ा सा मोड़ेंगे, उसके बाद इस लाइन तक 1.5 इंच वाली यहाँ तक ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे क्योंकि ये बड़वा पट्टी बनेगी, थोड़ी सी आगे निकलेगी। और इसमें मैंने 1 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे सीधी साइड पे, तो इसको हम एक बार ऐसे ही मोड़ेंगे और इसको पूरा जहाँ पे 1 इंच का निशान है यहाँ तक, ये देखो 1 इंच का निशान ये है, तो इतना हम पूरा इसको मोड़ देंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे मोड़ लिए दोनों को। अब जो बड़वा वाला है इसको ऐसे हम मोड़ लेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं, ऐसे रख लेंगे। अब ये फ्रंट वाला गला और शोल्डर काट लेते हैं, इसमें यहाँ से हम 4 इंच शोल्डर लेंगे। अब ये हमें गले की साइड से लेने हैं 4 इंच, और इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे, ये भी हम 4 इंच लेंगे। ये मैं बिल्कुल छोटे बच्चे का बना रही हूँ, 0 साइज़ का, इसलिए मैं इसमें जो साइज़ ले रही हूँ न्यूली बॉर्न का साइज़ ले रही हूँ। अगर आपको इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो जैसे ये आर्म होल है ये आप 4.5 लेना, वरना 4 इंच छोटा पड़ जाएगा। अब ये मैं ले रही हूँ 1.5 इंच, ये है गले की चौड़ाई 1.5 इंच, और गला गहरा डीप ले रही हूँ 1.5 इंच, ठीक है। ये अब यहाँ से हम गोलाई कर देंगे ऐसे, और इसकी भी गोलाई कर देंगे आर्म होल की। अब हम ये जो हमने निशान लगाए हैं इनको काट लेते हैं। ये मैं आगे और पीछे का अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मोटा कपड़ा है तो काटने में दिक्कत होगी, अगर आपका पतला कपड़ा है तो आप आगे और पीछे का इकट्ठा लेके ही काटिए। ये हो गया। अब हमें ये देखिए ये ले लिया मैंने पीछे का। अब इसमें बंद साइड जो है, बंद साइड से हमें, ये बंद साइड है ना, इधर से ओपन है, बंद साइड से हमें लेना है शोल्डर, जैसे उसमें लिया 4 इंच, और आर्म होल भी हमें 4 इंच लेना है। इसको हम काट लेंगे, ये हमें 1.5 इंच लेके, बस हमें फ़र्क क्या करना है कि ये पीछे का गला हमें 1 इंच रखना है क्योंकि पीछे का गला छोटा रखना है। ये 1 इंच से आप थोड़ा और कम भी कर सकते हो, 0.5 इंच भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 1 इंच किया है ताकि बच्चे को गला जो है वो लूज़ रहे, ज़्यादा टाइट टाइट ना लगे। अब इसकी भी सेम वैसे ही कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये अब हमारी हो गई कटिंग, ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा। और ये इसके ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, ऐसी बन जाएगी। अब सबसे पहले हम ये शोल्डर सिल लेते हैं उल्टा करके इसको ऐसे। अब ये स्लीव्स के लिए लेनी है दो पीस 8x8, 8 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस साइड में और इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। ऐसे करते करते ही बस हम इसको हल्का सा टेढ़ा ले जाके ऐसे शेप दे देंगे। और यहाँ पे मोरी को हमें कम करना है, उसके लिए भी अंदाज से हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी कर लेते हैं और फिर इसको इसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे। अब हम लेंगे ये अरेब वाली पट्टी, इसको ऐसे गले पे लगा लेंगे। इसको पट्टी को हल्का हल्का खींचते हुए ऐसे पूरे गले पे लगा लेते हैं। ये देखिए गले पे लग गई पाइपिंग, ठीक है। अब हमें इसको ऐसे करना है उल्टा और इसकी ये बाजू को ऐसे फोल्ड कर लेंगे नीचे। ये बाजू मोड़ने के बाद हम साइड की सिलाई लगाएंगे। बाजू पे से शुरू करके नीचे तक लेके आएंगे और ये साइड की सिलाई लगाने के बाद नीचे से भी ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने नीचे से मोड़ दिया और ये साइड की सिलाई दे ली और ये हो गया तैयार। बस अब हमें बटन और लगाने हैं। तो ये देखिए बटन लगा दिए मैंने। बटन लगाने के बाद ये एकदम तैयार है और ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है न्यू बॉर्न के लिए। अब आप मेरे चैनल डिसेंट आर्ट बाय हिना को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।